अच्छी बात है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी आर गोइंग टू जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हमारे जो सीप साहब हैं यहाँ पे, मैनेजर साहब हैं हमारे यहाँ पे, वो इंट्रोडक्शन देंगे एनर्जी डेस्क का, और उसके बाद जो हमारे आज के ट्रेनर हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू सीप साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हारून जी। पहले मैं सबको वेलकम करता हूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला है इस वेबिनार के लिए। ये थोड़ा सा जी एनर्जी डेस्क का एक ब्रीफ है। ये बैकग्राउंड है जी प्रोजेक्ट की सिनारियो के, किस तरह ये एनर्जी टेस्ट जो है डेवलप हुआ था। लीडो ने एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, जेफ फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, जिसका मकसद ये था कि रिड्यूस जो की जाए ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को, और प्रमोट किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स जो हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। तो उस एक प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल जो था उसमें ये इंक्लूड था कि एक एनर्जी डेस्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा डेडिकेटेड, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए थ्रू प्रोविजन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज। ये जी एनर्जी डेस्क की इंट्रोडक्शन है। ये एनर्जी डेस्क जो है ये वन स्टॉप फैसिलिटी है छोटी और दरमियाने दर्जे की जो सनत है उनके लिए एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। ये एनर्जी टेस्ट जो है वो एक आप समझ लें डाटा सेंटर है एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोशन करने के लिए, और इसके अलावा ये जो यूज़र है और SMEs को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं WE और RE के हवाले से, जिसमें मैनुअल्स शामिल हैं, गाइडलाइन शामिल हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन्फोर्स हैं रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट्स वो अवेलेबल हैं। एनर्जी एक्सपर्ट्स की डिटेल्स भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के जो सप्लायर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी डिटेल्स भी मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडीज जो हैं वो भी अवेलेबल है। ये जी सर्विसेज हैं एनर्जी डेस्क की जो इस वक्त ऑफर हो रही हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। जैसे पहले बताया गया है कि एनर्जी डेस्क के थ्रू जो है वो SMEs को इंफॉर्मेशन दी जाती है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के हवाले से, गवर्नमेंट सपोर्ट के हवाले से, और रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से। इसके अलावा एनर्जी एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो हैं, जिसमें सोलर जैसे कि सोलर सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड की जाती है। सेक्टर बेस्ड स्टडीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस फील्ड के हवाले से, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो दूसरी सर्विस है वो जी कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसमें हम कोशिश इसमें हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं SME सेक्टर के अंदर कि उनको WE/RE के हवाले किस टॉपिक का उनको चाहिए है ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज करते हैं, जैसे कि आज वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स का जो है आपस में जो लिंकेज डेवलप की जाए। इसके अलावा जो है टेक्निकल असिस्टेंस है वो इंडस्ट्री क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या फैक्ट्री जो बेस्ड जाती है या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम या को इम्प्लीमेंट करना चाहती है या अपने एनर्जी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, तो
उसको उस इंडस्ट्री को हम कनेक्ट करवाते हैं एनर्जी एक्सपर्ट्स के साथ, और फिर वो एनर्जी एक्सपर्ट जो है वो जो है कंसल्टेंसी देता है या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस इंडस्ट्री को। इसके अलावा जो है इजी एक्सेस टू फाइनेंस है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। एनर्जी ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, करंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम्स हैं रिलेटेड टू डबल ई और आर ई, उस हवाले से उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। लास्ट वन जी है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है जी, इसके तहत हम प्रमोट करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो पार्टिसिपेट करें ट्रेनिंग प्रोग्राम में और उनको और उनके बिजनेसेस, ताकि वो अपने बिजनेसेस में एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स करें और आरई की जो जो सॉल्यूशंस है वो इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा हम फीमेल एनर्जी एक्सपर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वुमेन स्पेसिफिक, हमने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग करवाई थी जिन जो रिसोर्स पर्सन है जिनकी फीमेल ही थी। आप स्मिडा के एनर्जी डेस्क तक को कैसे अप्रोच कर सकते हैं जी? पहला तो आप फिजिकल पेशेंट विजिट कर सकते हैं स्मिडा के हेड ऑफिस थर्ड बिल्डिंग वन इकबाल और वहां आ जाएं, या आप अपने जो क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं आरई के हवाले से या एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से वो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया यहाँ पर energydesk@smida.org.tk, या इसके अलावा डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप की गई है एनर्जी डेस्क के लिए जिसकी एड्रेस है energydesk.smida.org, आप ये विजिट कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं डेमो दिखाऊंगा जी आपको, लाइव दिखाएंगे आपको जो ये जी एनर्जी डेस्क की वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये उसका होम पेज है। ये टॉप के ऊपर मेन्यू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है अगर हम देखें ये ट्रेनिंग्स का है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आज की वेबिनार की डिटेल्स आ रही हैं, इस तरह हर इवेंट जो है यहाँ पर अपलोड होता है। एक मिनट जी, ये आपको जो हम शेयर करते हैं दोबारा से, ये जी ये एनर्जी डेस्क की जी वेबसाइट है जिसका जिक्र पहले तस्करा किया गया था, ये उसका होम पेज है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वक्त स्टैट्स आ रहे हैं इस वेबसाइट के वाले से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये टॉप मेन्यू के ऊपर आप जब देखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग्स हैं, जब ये ट्रेनिंग को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फेस्टिबिलियम प्रोग्राम्स एनर्जी डेस्क के वाले से हो रहे हैं वो उसकी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ये आज के वेबिनार की डिटेल आ रही है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डाउनलोड्स का है, उसमें जो मुख्य सब सेक्शन हैं बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स हैं, ये एनर्जी एफिशिएंसी के सेल्फ टूल्स हैं, इसको आप डाउनलोड करके आप इजी वैल्यूज इनपुट करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर फॉल कर रही है। ट्रेडिंग मटीरियल्स हैं, इस सेक्शन में जितने भी वेबिनार्स हुए हैं उनकी प्रेजेंटेशंस हैं और रिसोर्स लिटरेचर मौजूद है। फाइनेंसिंग गाइडलाइंस में जो है आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के वाले से या एनर्जी एफिशिएंसी के वाले से उसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। टेक्निकल गाइड बुक में मुख्य टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके सामने मैं ये क्लिक किया है, इसमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर मिल जाएगी आपको, केबल साइज सिलेक्शन है, कंप्रेसर सिस्टम है और इस तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से। कोविड एसओपी जो गवर्नमेंट ने कोविड के एसओपी डेवलप की है उनकी डिटेल यहाँ आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो वो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्री कोई एनर्जी का कंसल्टेंट एंगेज करना चाहती है, एक्सपर्ट एंगेज करना चाहती है, वो यहाँ पर उनकी डिटेल्स मौजूद है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे फील्ड ऑफ सर्विस एनर्जी एफिशिएंसी में या रिन्यूएबल एनर्जी में, अब वहाँ से आपको फिल्टर होकर रिजल्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से जो डिस्प्ले किया गया है, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स में रिन्यूएबल एनर्जी के सप्लायर्स मौजूद हैं जिनमें ज़्यादातर फिलहाल सोलर है, ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं, या ये इनकी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर किसी ने ऑनलाइन क्यूरी भेजनी है तो ये क्यूरी का सिंपल सा फॉर्म है, पर्सनल डिटेल देनी है, बिजनेस नेम देना है, एड्रेस देना है और आप यहाँ से क्यूरी के लिए सिलेक्ट करेंगे कि क्यूरी आपकी एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटेड है या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, और आपने क्यूरी सेंड करेंगे तो आपको आपकी क्यूरी हमारे पास पहुँच जाएगी, तो हमारे जो इन हाउस जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे।
ये जी एक बहुत ही मुख्तसर सा एनर्जी डेस्क के बारे में बताया गया है। अब हम जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन है मिस्टर असद, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है जो उनकी अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्लीज शेयर करें और प्रॉपर आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी असद साहब। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी आवाज आ रही है जी। ओके थैंक यू। मेरा नाम जी असद, इंजीनियर असद बेग है, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ एक अदारे में। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज में सोलर विंड एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टाइक एंड सोलर थर्मल एनर्जी है, तो जिस पे मेरी एक्सपर्टीज हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अवेलेबल था इस पे, तो फर्दरली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेट मीटरिंग, तो इसका हम आगाज करते हैं। जी तो आज का हमारा सर जो टॉपिक है वो है नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें हर्डल्स क्या हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है उसके बेनिफिट्स तो होते हैं लेकिन साथ में उसमें कुछ हर्डल्स भी होती हैं, कुछ मुश्किलात भी होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है हमारी एसएमईज को, कंपनीज को। सॉरी एंड अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली अपनी जो स्क्रीन है इसको ना स्लाइड शो पे कर दें। ये स्लाइड शो पे है ऑलरेडी। जी जी ये स्लाइड शो हो रहा है आपको हरुण जी? नहीं अभी आपका स्लाइड शो नहीं हो रहा, काइंडली इसको जरा चेक कीजिएगा दोबारा। जी देखिएगा आपकी जो है स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें आप जी अभी आपका हमें स्लाइड शो नहीं हो रहा, आप काइंडली मूव करें था स्लाइड अपना। जी जी देखिएगा जी असद हमें आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही है लेकिन स्लाइड शो नहीं है, आप F5 को प्रेस करेंगे तो शो होगा, अगर नहीं तो एक दफा स्क्रीन बंद करें शेयरिंग और दोबारा स्टार्ट करें स्क्रीन शेयरिंग तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। ये देखिएगा अभी ये शो हो रही है हरुण आपको? जी मुझे आपकी स्लाइड शो हो रही है सर जी, इस पे क्लिक करें, क्लिक करें इस पे। जी अब बताइएगा। जी नहीं अभी भी नहीं हुई, अब मुझे आप अपनी स्लाइड्स मूव करके देखें कि स्लाइड्स मूव हो रही है, सेकंड स्लाइड पे जरा। जी जी हो रही है ये मूव। अच्छा नहीं आपका ना होम पेज शो नहीं हो रहा, आप इस तरह करें आप अपनी जो स्क्रीन है उसको बंद, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें और दोबारा से स्क्रीन शेयर करें तो हो जाएगी। एक मिनट मैं इसको करता हूं। नहीं ये व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं करना है, इसके नीचे आप जब आएंगे ना तो दो चीजें शो हो रही होंगी, उसमें जो आपकी पीपीटी फाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। अब चेक कीजिएगा। अरुण अब शो हो रही है ये? जी इसको जरा मूव करके देखिए, मुझे सेकंड स्लाइड पे लेके आए, मैं देखता हूँ हो रही है। जी 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 अब आपने शो हुई है, अब F5 प्रेस करें जरा। जी अब देखिएगा। जी अब आपकी स्लाइड्स मूव हो रही हैं, बस इसको स्लाइड शो पे कर दें, अपनी प्रेजेंटेशन ना स्लाइड शो पे कर दें। ठीक है ये स्लाइड शो पे है ऑलरेडी, ये सेकंड स्लाइड आपको शो हुई है?
अरुण सेकंड स्लाइड शो हो रही है आपको? जी ये थोड़ा सा इशू है स्लाइड शेयरिंग में, तो हम इसको मीनवाइज रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई 2-3 मिनट्स में हम इसको रिजॉल्व करके स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम बैक टू ऑल। सॉरी ज़रा डिले था, वो हमारे जो आज के ट्रेनर से इशू आ रहा था। जी असद ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन आज की। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, प्रोसेस क्या है नेट मीटरिंग करवाने का, एक कंज्यूमर के लिए क्या प्रोसेस है या एक SME या एक कंपनी के लिए क्या प्रोसेस है, नेट मीटरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके प्रोसेस के हर्डल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अपने कंटेंट्स पे कि हमारी आज की प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो टोटल 8 सेक्शन है हमारी आज की प्रेजेंटेशन के। सेक्शन 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि नेट मीटरिंग फैसिलिटी सिर्फ 2 तरह की हमारे जो एनर्जी जनरेशन सोर्सेज हैं उन पर अलाउ है पाकिस्तान में। एक आ जाती है सोलर एनर्जी, दूसरी आ जाती है विंड एनर्जी।
और सोलर एनर्जी में सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम जो होते हैं उन पे हम कर सकते हैं नेट मीटरिंग। तो इसके लिए हमारे लिए बेटर ये है कि सोलर सिस्टम्स या सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, क्या होते हैं, और उनमें जो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम है वो उनकी कौन सी टाइप है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन टू में चले जाएंगे, नेट मीटरिंग फैसिलिटी, नेट मीटरिंग होती क्या है और ये कैसे करवाई जा सकती है पाकिस्तान में। तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि नेट मीटरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, किस वजह से लोग बेनिफिट इसका अवेल कर रहे हैं, ये नेट मीटरिंग पे क्यों जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्यों इस पे मूव कर रही हैं। और सेक्शन फोर में हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है नेट मीटरिंग का और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जाहिर बात है एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरना है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो नेट मीटरिंग की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर नेट मीटरिंग का प्रोसेस, 25 किलोवाट से ज़्यादा अगर आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए क्या है, 25 किलोवाट से कम अगर आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए क्या है, या 200 या 250 किलोवाट से अबव अगर आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद सेक्शन सिक्स में हम बिलिंग एंड कैलकुलेशन पे आ जाएंगे कि इसकी बिलिंग और कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है नेट मीटरिंग की। ये बेसिकली ये वापडा वाले या डिस्को वाले करते हैं, इसमें जो टैरिफ्स होते हैं या यूनिट रेट्स होते हैं वो तो नो डाउट नेपरा के डिसाइड शुदा ही होते हैं, लेकिन डिस्को वाइज इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। नेट मीटरिंग प्रोसेस में हर्डल्स क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का एक जो प्रोसेस है वो एक नई चीज़ है, काफ़ी वापडा ऑफिशियल्स को इसका नॉलेज है लेकिन कुछ को नहीं भी है, जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ के लोगों को या वहाँ के वापडा के अपने स्टाफ को, तो थोड़ी सी हर्डल्स इसमें हमें बियर करनी पड़ सकती हैं, वो क्या हो सकती हैं। इसके अलावा सेक्शन एट में हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के, नेट मीटरिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं सेक्शन वन पे, इंट्रोडक्शन सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम। इसको मैं स्टार्ट करूंगा कि सोलर बेसिकली सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम या सोलर पैनल्स का जो सिस्टम है क्या चीज है, एक मैकेनिज्म है उसको सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम कहते हैं। इसका मेजर कंपोनेंट इसके सोलर पैनल्स होते हैं। सनलाइट या सन रेज की जो फोटॉन्स इस पे फॉल करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी पावर होती है, डायरेक्ट करंट होता है। इसको हम आगे अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको हम एसी सप्लाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें हम अरुण, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर, वो आपका इंटरनेट का इशू था, काइंडली प्रीवियस स्लाइड से दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी एक मिनट। अच्छा, तो सोलर पीवी सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं कि सोलर पीवी सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली सनलाइट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का जो जरिया है वो सोलर पीवी पैनल्स हैं, तो इसी बिना से इसको सोलर पीवी सिस्टम्स कहा जाता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स कहा जाता है। सोलर सेल पे जब सनलाइट में मौजूद फोटॉन्स फॉल करते हैं तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी डायरेक्ट करंट होती है, डीसी पावर होती है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट। हम इसको एसी करंट में भी तब्दील कर सकते हैं, हम इसको डीसी में डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट्स।
फर्दरली हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स की कितनी टाइप्स हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम और स्टैंड अलॉन पीवी सिस्टम, इसकी बेसिकली दो क्लासिफिकेशन हैं। अब स्टैंड अलॉन पीवी सिस्टम जो है ये विदाउट बैटरी भी वर्क करता है और विद बैटरी भी करता है। विदाउट बैटरी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज 2022 में ऐसे इन्वर्टर मौजूद हैं, अगर उसके साथ बैटरी ना लगाई जाए तो वो डायरेक्टली हमारी घर के अप्लाइंसेस को चला सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा इसमें ड्रॉबैक ये आता है कि जिस टाइम पे आपका सनलाइट की एनर्जी कम आ रही है, डीसी करंट कम मिल रहा है सोलर से, उस टाइम पे आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप हो जाता है अगर लोड ज़्यादा हो। तो अगर बैटरी लगा ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा अगर आपने देखे हों कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सिस्टम बहुत इस्तेमाल होता है, उसमें बैटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगानी पड़ती है। इन्वर्टर की बजाय हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या GD100 डिवाइसेस लगा के तो डायरेक्टली अपनी मोटर को रन करवा सकते हैं। और विद बैटरी सिस्टम में हमारा बिल्कुल डीसी सिस्टम, एक अगर हमारा यूजेज ही डीसी करंट है तो हम डायरेक्टली डीसी सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं कि छोटे पैनल जो 150 वाट और 12 वोल्ट के पैनल आते हैं, लोग डायरेक्टली उनसे पंखे या लाइटें वगैरह चला रहे होते हैं और बैटरी को भी बीच में इन्वॉल्व किया होता है ताकि पावर स्टेबल रहे। और इसके अलावा जो मेजरली इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम सोलर हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं या सोलर सिस्टम नॉर्मली इसको बोलते हैं, वो एसी करंट। अगर हमारे घर की अप्लाइंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एसी, दो पंखे, तीन लाइटें, ये वाला लोड हमने सोलर पे चलाना है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे मैक्सिमम पावर की, 30% प्रोविजन रख के अपने सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे और इन्वर्टर सेटअप और साथ में बैटरियां वगैरह लगा के, तो जो दिन का टाइम है उसमें हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फ्रॉम वापडा वो जीरो कर सकते हैं। अच्छा, हाइब्रिड पीवी सिस्टम भी आते हैं। हाइब्रिड पीवी सिस्टम में हाइब्रिड का मतलब है कंबाइन करना, इनको विंड के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा पावर प्लांट लगा है जहां पे सोलर सिस्टम बड़ा इंस्टॉल्ड है और साथ में विंड पावर भी, विंड टर्बाइन भी इंस्टॉल्ड हैं, तो उन दोनों की आउटपुट को हम कंबाइन कर सकते हैं और हाइड्रो टर्बाइन के साथ भी हम इनको कपल कर सकते हैं कि इनकी पावर हम सेम कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिस टाइप की पावर हाइड्रो या विंड से आ रही हो उसी टाइप की पावर हमारा सोलर सिस्टम भी प्रोड्यूस कर रहा हो। हम इसको डीजल जनरेटर के साथ भी सिंक, हमें कुछ रेगुलेटर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं हमारे सोलर इन्वर्टर के साथ, और ये डीजल जनरेटर के साथ फिर सिंक्रोनाइज होकर चलना शुरू हो जाता है। हम इसको फ्यूल सेल या किसी भी अदर सोर्स के हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर उसको भी सोलर हाइब्रिड से जी, हमारे जो ट्रेनर हैं असद साहब, उनका थोड़ा सा वो इशू है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का, तो वो अभी दोबारा शेयर करते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
अरुण कैन यू लिसन मी? जी असद आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर कर लें अब आप। अरुण कैन यू? जी अस्सलाम वालेकुम असद, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही और आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो काइंडली दोबारा से आपकी स्क्रीन शेयरिंग अभी स्क्रॉलिंग कर रही है लेकिन हम अभी आपको सुन नहीं पा रहे। स्क्रीन शेयर कर चुका हूं मैं, देखिए आपको ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। ये दो तरह के हैं, एक विदाउट स्टोरेज सिस्टम और विद स्टोरेज सिस्टम। विद स्टोरेज में बैटरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और विदाउट स्टोरेज सिस्टम में बैटरीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो ऑन ग्रिड सिस्टम चल रहे हैं वो विदाउट स्टोरेज के हैं, विदाउट बैटरीज, क्योंकि हमें थ्री फेज इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं मोस्टली, और जो इकोनॉमिकल थ्री फेज इन्वर्टर्स हैं ऑन ग्रिड के, उनके साथ बैटरीज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। और विद स्टोरेज सिस्टम में सिंगल फेज इन्वर्टर मोस्टली पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, जिनके साथ हम बैटरीज लगा के बैकअप भी कर सकते हैं और साथ में हम ऑन ग्रेड वापडा को रिवर्स मीटरिंग भी कर सकते हैं, रिवर्स सप्लाई भी दे सकते हैं। अच्छा, सोलर ऑन ग्रेड सिस्टम पे हम आ जाते हैं कि एक ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम या सोलर ऑन ग्रेड सिस्टम क्या होता है। तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सोलर पीवी सिस्टम है जो यूटिलिटी से आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि आपकी जो वापडा से मेन लाइन आ रही है उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये जितनी एनर्जी बनाता है ये उस मेन लाइन में इंड्यूस कर देता है और जो अजाफी हमारी बिजली होती है वो वापडा को रिवर्स चली जाती है। पहले जो बिजली है वो हमारे घर में या हमारी फैक्ट्री में या हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, उसके बाद जो अजाफी बच जाती है वो हम वापडा को रिवर्स कर देते हैं। तो जो हमारा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स में सोलर पैनल्स आ जाते हैं, इन्वर्टर्स आ जाते हैं और ग्रिड कनेक्शन का इक्विपमेंट और सेफ्टी इक्विपमेंट आ जाता है। जैसे नीचे डायग्राम में भी शो किया गया है, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और बाकी होम अप्लायंसेस तो लोड में आ जाती हैं और अजाफी बिजली जो है वो वापडा को रिवर्स चली जाती है। तो हमारे जो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसमें सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स की काफी टाइप्स पाकिस्तान में आ रही हैं। इनमें मेजरली पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स आज से एक डेढ़ साल पीछे जाए तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है तो पॉलीपर्क या मोनोपर्क सोलर पैनल्स इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हैं, जिनकी 20+ एफिशिएंसी है, 21% मोस्टली इनकी एफिशिएंसी आ रही है। और इन्वर्टर्स जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं ये दो टाइप के हैं, एक थ्री फेज है एक सिंगल फेज है।
तो जो वापडा या नेपरा अलाउ करता है वो 3 फेज इन्वर्टर है, 5 किलोवाट से ऊपर का अगर आपका सोलर सिस्टम है, क्या मुझे तो 3 फेज इन्वर्टर ही होना। जी जी हमें आपकी इस टाइम जो स्लाइड है वो टाइप्स ऑफ सोलर पीवी सिस्टम शो हो रही है, काइंडली बता देंगे आप आगे हैं हमें स्लाइड नंबर 5 शो हो रही है। आपको क्या चीज शो हो रही है स्लाइड में? जी अब ठीक है, अब ठीक है, वो आपकी स्लाइड्स नंबर जो थी वो स्लाइड्स आगे मूव नहीं हुई थी, अब ठीक है। जी जी कैरी ऑन असद, कैरी ऑन और स्लाइड शो कर लें। ठीक है, अच्छा स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें आ जाए। जी जी आपको शो हो रही है स्लाइड? जी ठीक है। अच्छा, स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर्स की काफी टाइप्स इस्तेमाल हो जाती हैं, ये इस्तेमाल होता है सोलर पैनल्स को टिल्ट एंगल पे लगाने के लिए। हाँ जी, अच्छा तो इसमें गैल्वनाइज्ड आयरन की शीट्स आ जाती हैं, माइल्ड स्टील यूज कर सकते हैं, एलुमिनियम का फ्रेम यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे आ जाते हैं एसी डीसी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं हमारे सेफ्टी के लिए और या डिस्कनेक्शन के लिए। तो जो डीसी पावर आ रही है सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ, वहां पे हमारे डीसी सर्किट ब्रेकर लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट के, हमारा कितना करंट पास आउट करता है उसके हिसाब से। और एसी सर्किट ब्रेकर हमारे लगेगा इन्वर्टर की आउटपुट पे, क्योंकि जो सप्लाई हमारी इन्वर्टर से हमारी जा रही है वापडा की मेन लाइन में, उसके दरमियान में ये ब्रेकर लगेगा उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए। एसी डीसी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस विद अर्थिंग, ये अर्थिंग करके हम एसी डीसी सर्ज प्रोटेक्टर्स लगाते हैं इन केस के वापडा साइड से कोई वोल्टेज की सर्ज आती है तो उस केस में हमारे इन्वर्टर को बचाने के लिए, या सोलर पैनल्स के फ्रेम में अगर कोई करंट वगैरह आ जाता है तो उस केस में प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग करके साथ में सर्ज प्रोटेक्टर्स लगा देते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर हम लगाते हैं आसमानी बिजली से बचाने के लिए, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है सोलर पैनल्स की हाइट से ज्यादा हाइट पे रख के हम लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करते हैं और अर्थ करवा देते हैं उसको, ताकि खुदा ना खास्ता कोई आसमानी बिजली वाला सीन बनता है तो हम वो ग्राउंड हो जाए। एसी डीसी इंसुलेटेड वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर वेयर्ड वायर नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटेड वायर्स हों ताकि हमारी सेफ्टी इसमें मुकम्मल रहे। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशंस एक्सेसरीज भी ऑन ग्रिड सिस्टम का पार्ट हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, MC4 कनेक्टर्स आ गए, ब्रांच कनेक्टर्स आ गए, ऐसी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा, सेक्शन 2 की तरफ हम मूव करते हैं स्लोली। ये है नेट मीटरिंग फैसिलिटी। कि नेट मीटरिंग फैसिलिटी क्या है? ये दरअसल एक बिलिंग मैकेनिज्म है। नेट मीटरिंग एक बिलिंग मैकेनिज्म है। आप सारा दिन सोलर से जितनी एनर्जी बनाते हैं वो पहले तो आपके घर में, इंडस्ट्री में या कमर्शियल प्लाजा जहां भी आपने सिस्टम लगाया है वहां पे इस्तेमाल हो जाती है। जो इजाफी बिजली है वो वापडा को रिवर्स चली जाती है। तो एक मीटर इंस्टॉल किया जाता है, नॉर्मली हमारे जो बिजली के मीटर हैं उसी तरह का एक मीटर। सॉरी आपकी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 7 शो हो रही है, काइंडली अपनी स्लाइड को साथ साथ मूव कर दें। आपकी स्लाइड नंबर 7 शो हो रही है मेरे स्क्रीन पे। नहीं, इस वक्त मैंने 9 ऑन की हुई है, स्लाइड नंबर 9 शो हो रही है मुझे। जी अब ठीक है, अब हम स्लाइड नंबर 9 स्टार्ट हो गई है। आप काइंडली जब करते हैं तो उस पे प्रेस कर दिया करें। थैंक यू। आई थिंक स्लाइड शेयरिंग में कोई इशू आ रहा है, मैं देख लेता हूं इसको। अच्छा, नेट मीटरिंग का बता रहा था मैं कि एक बिलिंग मैकेनिज्म है, इजाफी बिजली वापडा को रिवर्स चली जाती है। हमारा जो ग्रीन मीटर या नेट मीटर है वो इस चीज को नोट कर लेता है कि कितने किलोवाट आवर एनर्जी जो हमारी तरफ से वापडा को गई है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ वापडा वाले ये देख लेते हैं कितने यूनिट हमने वापडा को दिए हैं और कितने उनसे एक्सपोर्ट, कितने उनको एक्सपोर्ट किए हैं और कितने इम्पोर्ट किए हैं उनसे। तो उसका एक नेट बिल हमारे पास आ जाता है। मिसाल के तौर पर कि हमारे छत, घर की छत पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो अगर वो जितनी बिजली हमारे घर में दिन टाइम की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बनाएगा तो वो रिवर्स जाएगी। नीचे डायग्राम में आप देखेंगे कि घर की छत पे सोलर पैनल्स लगे हैं, ये डीसी एनर्जी जो है ये इन्वर्टर को सप्लाई कर रहा है, और जो इन्वर्टर अपनी आउटपुट एनर्जी है वो मेन लाइन में डाल रहा है, यानी कि मीटर की तरफ भेज रहा है, और सेल्फ यूज के लिए एनर्जी जो उसी मेन लाइन से हमारे घर में पहले आ जाती है। अगर रिवर्स चली जाती है
तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रिड की तरफ जा रही है, और इन केस किसी टाइम पे ऐसे भी होता है जैसे नाइट का टाइम है, सोलर सिस्टम तो बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे ग्रिड से एनर्जी हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है हमारे घर की तरफ, और ये मीटर दोनों तरह की एनर्जी को नोट कर लेता है कि कितनी एनर्जी इंपोर्ट हुई है और कितनी एक्सपोर्ट हुई है। यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है कि अगर एक घर नेट मीटर है तो कितनी एनर्जी वो ग्रिड को दे रहा है और कितनी एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, काइंडली अपनी जो स्क्रीन है उसको एक दफा दोबारा से शेयर करें, क्योंकि अभी आपकी जो स्क्रीन है वो हमें स्लाइड शो की फॉर्म में शो नहीं हो रही। जी अब देखिएगा, ये अब ठीक शो हो रही है। जी हमें आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, मगर वो एज ए इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो शो नहीं हो रही जिसमें पहले हो रही थी। जी अब देखिएगा अरुण, अरुण ये स्लाइड शेयर शो हुआ है आपको? जी नहीं, अभी स्लाइड शेयर शो नहीं हुआ। आप एक दफा इसको करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करें स्लाइड शो के अंदर। मैं दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट। जी अब देखिएगा, जी ठीक है, कैरी ऑन करें। अब देखिएगा, जी जी ठीक है, कैरी ऑन। ओके थैंक यू। अच्छा, हम 20-40% और कुछ केसेस में इससे ज्यादा भी एनर्जी हम ग्रेड को दे रहे होते हैं पीक टाइम में। अच्छा आगे आ जाते हैं कि कुछ सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें नेट मीटरिंग की जरूरत होती है, कुछ सोलर सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें नेट मीटरिंग की जरूरत ही नहीं होती। हमारे घर की या इंडस्ट्री की कंजम्पशन ही इतनी ज्यादा होती है कि हमारे सोलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो इतनी है कि वो इजाफी बिजली नहीं बना पाती, जितनी एनर्जी बनती है वो वहीं पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाती है। ऐसे केस में नेट मीटर लगा भी नहीं तो इजाफी बिजली तो ग्रिड को जाएगी नहीं, तो नेट मीटर लगाने का फायदा नहीं है। लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं कि सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग क्या है और विदाउट। हमारे जो रेजिडेंशियल घर हैं, डोमेस्टिक या कमर्शियल प्लाजाज हैं, यहाँ पे नेट मीटरिंग जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लोड एक जैसा नहीं रहता, स्टेबल लोड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम एनर्जी जो है वो वापडा को दे भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं, तो यहाँ पे नेट मीटरिंग हमारी एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। हम जितनी एनर्जी पूरे महीने में वापडा को देते हैं और जितनी वापडा से लेते हैं, ये सारी हमारा ग्रीन मीटर या नेट मीटर ये रीड कर लेता है उसको, और महीने के एंड पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जैसे फैसलाबाद में फेस्को या लाहौर में नेस्को है, ये इसका डिफरेंस नोट कर लेते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हमें बिल कर देते हैं। जी अरुण, आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है? अच्छा, तो मोस्ट जी जी आपकी हो रही है सिस्टम।
अरुण मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी असद आपकी स्क्रीन शो हो रही है मुझे, आप स्लाइड शो ना करें, आप ऐसे ही नीचे मूव करें, स्लाइड शो ना करें, क्योंकि आप स्लाइड शो करते हैं तो हमें आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होती, आप ऐसे ही नीचे आप 10 स्लाइड पे आए जरा, ताकि हम देख लें कि हमारे व्यूवर्स को सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी ठीक है, बस ऐसे ही मूव करें आप, स्लाइड शो में ना करें मूव। ठीक है, यही बता रहा था कि सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटरिंग इस्तेमाल होते हैं और विदाउट नेट मीटरिंग भी इस्तेमाल होते हैं। विद नेट मीटरिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी नदी हमारी इंपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट होती है वो नोट ली जाती है वापस की तरफ से, और एट द एंड ऑफ द मंथ वो हमें उसका भी भेज रहे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट मेंशन करके, कितनी हमने इम्पोर्ट की है कितनी एक्सपोर्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट नेट मीटरिंग क्या है। हमारे सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम में कुछ ऐसे भी हैं जो नेट मीटरिंग के बगैर ही इस्तेमाल हो जाते हैं, एक इंडस्ट्री है जिसका दिन के टाइम का लोड है 1000 यूनिट, वो उसके चलते हैं सारे दिन में, और 400 यूनिट उसकी कैपेसिटी है सोलर सिस्टम की कि वो एक दिन में 400 यूनिट बनाएगा। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि एनर्जीएक्सपोर्ट हो। तो इस सिलसिले में हम नेट मीटरिंग ना भी कर रहे हैं तो भी वहाँ पे हमारा काम चल सकता है। हमारे नेट मीटर के टोटल 8 पॉइंट होते हैं जिनमें 4 इन के और 4 आउट के, और जो 4 इन के या 4 आउट के हैं इनमें 3 फेज के होते हैं, फेज इन फेज आउट, और इसी तरह न्यूट्रल इन एंड न्यूट्रल आउट। और इसके अलावा इसमें टोटल 30 रीडिंग्स को ये नोट कर रहा होता है, उनका भी हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी रीडिंग्स हमारे पढ़ने के लिए हैं इसमें। और इसके ऊपर बटन, कुछ बटन्स लगे होते हैं जिनको हम प्रेस करके तो रीडिंग्स 1 by 1 चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो फेमस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें केबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोटेक है, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, तो ये सारी कंपनीज जो बाईडायरेक्शनल मीटर बना रही हैं। आगे हम आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, नेट मीटरिंग के फवायद क्या हैं, हमें नेट मीटरिंग क्यों करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो जी इसमें जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पॉसिबल है बिल्कुल। अगर हम हमारे इतने यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट जाते हैं कि हम रात को भी इस्तेमाल कर सकें तो हमारा बिल जीरो हो सकता है उस केस में। और इन केस के हमारे इतनी एनर्जी वापडा को रिवर्स जाती है कि हम उतनी रात को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स के हम वापडा से अर्न भी कर सकते हैं, हमारा बिल नेगेटिव में चला जाता है। और ये बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन टू नेशनल ग्रिड है जो दिन के टाइम पे हमारा पीक लोड चल रहा है उसमें हमारे नेशनल ग्रिड को काफ़ी इसका बेनिफिट है, लोड कम हो जाता है नेशनल ग्रिड पे। और इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम से इंडस्ट्री की जो खपत है बिजली की वो काफ़ी कम हो जाती है रिलाइंग ऑन वापडा। और इसका हम एक और बेनिफिट ये है कि ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी और स्टेबल वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं जो मोस्टली सोलर इन्वर्टर्स हैं। और जो मेजरली इसमें एक इसका बेनिफिट है सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग का कि आपका एक भी सिंगल यूनिट जो है बिजली का जो आपने सोलर से बनाया है वो ज़ाया नहीं जाता है, वो या तो आपकी इंडस्ट्री या
में इस्तेमाल हो जाता है या वो आप डाटा को एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो किसी ना किसी खाते में आपका यूनिट लाजमी आता है। जो इसके बरक्स जो सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम है ऑफ ग्रिड सिस्टम है, मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम है, दूसरे जो स्टैंड अलोन सिस्टम के इन्वर्टर हैं उनकी एफिशिएंसी के करीब होती है, लेकिन हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर की 98.6% जो नेटवर्किंग सिस्टम का है, यानी कि 2 से 3 साल या 3.5 साल में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो आपको रिवर्स आ जाती है। आगे हम मूव करते हैं सेक्शन 4 में कि इसकी प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स क्या है नेट मीटरिंग की। पाकिस्तान में अगर नेट मीटरिंग आपने करवानी है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, फाइल्स कैसे सबमिट करवानी है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेट मीटरिंग के हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे, तो ये 2 चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इनमें हमें बिल पे भी काफी चीजें देखने वाली हैं, नेट मीटरिंग करवाने से पहले काफी चीजें। जी असद, क्या मुझे सुन पा रही है? पूरी हो तो हम नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर जी नेक्स्ट स्लाइड हरूम। जी अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हमने कुछ चीजें देखनी होती हैं बिफोर नेट मीटरिंग के, कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है तो हम इसकी एप्लीकेशन दे पाएंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड आपका मिनिमम 5 होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंक्शन लोड आपके 3 फेज मीटर पे मिलता है। इट मींस कि अगर नेट मीटरिंग आपने करवानी है तो आप 3 फेज मीटर आपके इंडस्ट्री या आपके घर पे लगा होना जरूरी है। इन केस आपका अगर 3 फेज मीटर नहीं है तो आपको सेंक्शन लोड को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन साथ में देनी पड़ेगी।
और अगर आपका वो सिंगल फेज मीटर है वो थ्री फेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वापडा की तरफ से। दूसरा है टैरिफ, ये अकॉर्डिंग टू थ्री फेज टैरिफ होना चाहिए कि थ्री फेज जो हमारे एनर्जी सिस्टम हैं थ्री फेज मीटर्स हैं उनका टैरिफ होना चाहिए, ख्वाह वो डोमेस्टिक में का थ्री फेज टैरिफ हो, इंडस्ट्रियल का हो या एग्रीकल्चरल का हो। तीसरा है ऑनर्स नेम, बिल जिस बंदे के नाम पे है उसका हयात होना जरूरी है, उसका CNIC होना जरूरी है क्योंकि नेट मीटरिंग की फाइल कोई बंदा साइन कर सकता है, उसके अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है, अक्सर देखने में आता है कि जो बिल के ऊपर नेम लिखा है वो बंदा हयात नहीं होता या किसी ने किसी और बंदे से घर खरीदा है तो पुराने ओनर के नाम पे है, तो ऐसे केस में वो आपको पहले अपने नाम पे कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और हमारा जो मीटर है वो थ्री फेज होना चाहिए और बिल पे भी थ्री फेज लिखा होना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है जो पुराने कई थ्री फेज मीटर लगे हुए हैं हमारे, वो बिल पे सिंगल फेज SP लिखा होता है, तो वो भी करेक्ट करवाने की जरूरत पड़ती है हमें। दूसरा आ जाता है पहले तो सोलर पैनल्स की जो कैपेसिटी है वो इसमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो हमारे सेंक्शन लोड से डेढ़ गुना कैपेसिटी के ना हो, डेढ़ गुना कैपेसिटी की इजाजत नहीं है अगर हमने नेट मीटरिंग करवानी है। जो पैनल्स नेट मीटरिंग को एनर्जी लोड 5 है, अगर सेंक्शन लोड आपका 100 है सोलर पैनल वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक फार्मूला नेपटा ने दिया है। कैपेसिटी के आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं उसके नियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगे तो इन्वर्टर कैपेसिटी 30 किलोवाट की लगी हो। इन्वर्टर भी हमारा कोई 10 किलोवाट का हो सकता है, मैक्सिमम 15 किलोवाट तक का हो सकता है, उसके नियर होना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी और असेंशियल इक्विपमेंट साथ में लाजमी होने चाहिए। हमारे सर्किट ब्रेकर्स लगे होने चाहिए, सर्ज प्रोटेक्टर लगे होने चाहिए, प्रॉपर हमारी अर्थिंग होनी चाहिए, लाइटनिंग अरेस्टर लगा हो। कुछ डिस्कोज कहते हैं कि अगर सोलर पैनल्स की हाइट ज़मीन से 15 मीटर से ज़्यादा है तो लाइटनिंग अरेस्टर की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है। तो लेकिन कुछ कहते हैं कि ये हर हाल में ही लगाना ज़रूरी है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिवीजन टू डिवीजन या डिस्को टू डिस्को ये चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेट मीटरिंग में जो बिल पे देखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने मार्क की है। लोड एक तो आप देख रहे होंगे जो ब्लू सर्कल ऊपर वाला है इसमें लोड आ रहा है 5, ठीक है, ये हमने चेक करना है। अगर यहाँ पे 3 हो तो इट मीन्स के पहले इसको 3 से 5 से ज़्यादा करवाने की ज़रूरत है। 5 हो जाए 5, 6, 7 जितना भी हो 5 से ज़्यादा हो जाए। दूसरा टैरिफ, टैरिफ पुराने जो गरारी वाले अक्सर थ्री फेज मीटर घरों पे लगे होते हैं उनमें टैरिफ सिंगल फेज का चल रहा होता है, तो यहाँ पे ये टैरिफ भी हमें चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है कि ये अकॉर्डिंग टू थ्री फेज मीटर होने चाहिए। जो नीचे वाला सर्कल है उसमें नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहम्मद मुश्ताक सन ऑफ मोहम्मद अली। अब अगर मोहम्मद मुश्ताक साहब हयात हैं, इनके CNIC अवेलेबल है, ये नेट मीटरिंग की फाइल को साइन कर सकते हैं, तो फिर हम नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो हमें पहले ये मीटर उस बंदे के नाम करवाना पड़ेगा जो करंट ओनर है, जो फाइल को साइन कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। बिल के नीचे ही मीटर नंबर जहां पे लिखा होता है वहां पे एक छोटा सा वर्ड स्पेशली रेजिडेंशियल जो बिल्स हैं वहां पे लिखा होता है सिंगल फेज या थ्री फेज। अब यहां पे देखें लिखा हुआ है 3P 11614, यानी कि ये थ्री फेज मीटर है। अगर यहां पे SP लिखा हो इट मींस के बिल में कोई इशू है, ये करेक्शन करवाने वाली है, तो वो फिर करेक्शन भी पहले करवानी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक इंडस्ट्री का बिल है जहां पे 100 KVA का ट्रांसफार्मर लगा है और लोड 59 सेंक्शन किया गया है, और इसमें टैरिफ भी इंडस्ट्री का ही इस्तेमाल हुआ है, बिजनेस का टैरिफ इस्तेमाल किया गया है। और ये जैसे नेम है इसमें भी सारा फार्मूला उसी तरीके से है जैसे प्रीवियस था, तो इसका भी नेम उसी के नाम पे होना चाहिए बिल का, जिसका ID कार्ड और सिग्नेचर की अवेलेबिलिटी हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंडस्ट्री में जो हमारे बिल्स होते हैं मोस्टली मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन के हिसाब से होते हैं, MDIs के हिसाब से होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि ये थ्री फेज मीटर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
आगे हम आ जाते हैं इनके नेट मीटरिंग का प्रोसेस क्या है, तो इसकी हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या हमें कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए अपने सोलर के मुतलक या डॉक्यूमेंट्स के मुतलक। तो एक तो CNIC कॉपी ऑफ कंज्यूमर, ये हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू बिल, जो बिल के ऊपर नाम लिखा है वही वाली हमें इसमें CNIC कॉपी चाहिए। बिजली का बिल चाहिए ओरिजिनल या उसकी कॉपी मिल जाए तो भी ठीक है। सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो हमारे पास कि सोलर पैनल कितनी क्वांटिटी में लगे और कौन सी पावर के, फॉर एग्जांपल 18 पैनल लगे हैं 540 वाट के, तो ये हमें पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी है और कितने सोलर पैनल हैं। क्वांटिटी एंड पावर ऑफ इन्वर्टर के हमारे पास कितने इन्वर्टर लगे हैं और कितनी पावर के, ये भी फाइल में लिखा जाएगा। स्ट्रिंग्स, हमने 14-14 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है, साथ साथ की दो स्ट्रिंग बना के लगाया है या जैसे भी हमने लगाया उसकी स्ट्रिंग्स का भी हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये नेट मीटरिंग की फाइल में ये चीज़ भी लिखी जाती है। और लाइटनिंग अरेस्टर की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए, लगा है कि नहीं लगा है। और टेक्निकल डेटा शीट हमारे पास सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की, वो साथ में अटैच होनी चाहिए। तो जो बी ग्रेड सोलर पैनल होते हैं इनकी मोस्टली टेक्निकल डेटा शीट्स नहीं है, और वापडा अलाउ भी ए ग्रेड सोलर पैनल्स को ही करता है जिनकी टेक्निकल डेटा शीट्स अवेलेबल हों, उनके प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस मालूम हों। आगे आ जाती है नेट मीटरिंग फाइल। नेट मीटरिंग नेप्रा का एक नेट मीटरिंग का फॉर्मेट है, हार्ड फॉर्म में बनाई जाती है, ये नेप्रा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ऊपर, CNIC इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये मुकम्मल फाइल, इसको फिलअप करके इसकी इन्फॉर्मेशन में मोस्टली यही चीज़ें आगे मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। तो साथ में जो इंस्टॉलर कंपनी है वो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका लाइसेंस होता है, AEDB लाइसेंस भी साथ में अटैच करना होगा, बिल CNIC की कॉपी, और इसमें दो विटनेस भी होते हैं कंज्यूमर की तरफ से, उन दो विटनेस के सिग्नेचर्स वगैरह भी चाहिए होंगे। टेक्निकल डाटा शीट सोलर पैनल और इन्वर्टर की, ये भी चाहिए होगी। और अगर आपका सोलर सिस्टम 250 किलोवाट से ज़्यादा है, 250 किलोवाट से अबव है, तो लोड फ्लो स्टडी भी आपको बनवा के साथ में अटैच करनी पड़ेगी, या ये सबमिट करवाने के बाद वो लोड फ्लो स्टडी भी जनरेट करवानी होगी, वो वापडा ऑफिशियल से करते हैं। उसके बाद हमारी ये फाइल, ये इसको साइन करवाएं अपने कंज्यूमर से, उनके विटनेस से, इंस्टॉलेशन कंपनी की साइन और स्टैंप होंगे साथ में। उसके बाद इसकी दो कॉपियां और हार्ड फॉर्म में बना लें, ये एक मुकम्मल सेट बन जाएगा जिसमें एक ओरिजिनल और दो कॉपीज होंगी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ डिविजन्स में 3 और 4 कॉपियां भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ वापडा ऑफिशियल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद ये नेट मीटरिंग की इंफॉर्मेशन है फाइल में जो पुट अप करनी है, तो ये हम इसको ब्रीफली देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमने एंटर करनी है और कैसी ये फाइल बनेगी। ये फाइल, एक चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है स्पेशली, क्योंकि ये फाइल जो है ये SMEs या कंपनीज, सोलर कंपनीज बना के देती हैं क्लाइंट को, तो ये फाइल उनके लिए है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंगली ही ये फाइल बनाई जा सकती है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंगली नेम CNIC वगैरह वो सारा एंटर होगा। एनुअल जनरेशन ऑफ सिस्टम, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे एंटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। ये नेट मीटरिंग फाइल का हमारा फ्रंट पेज है जिसमें फ्रंट पे नेम आ जाएगा, ये नेम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे तो वो भी इसी तरह ही इस पे दर्ज होगी। CNIC नंबर आ जाएगा, ये एज पर CNIC आ जाएगा। डेट में जो आज की तारीख है जिस डेट पे ये नेट मीटरिंग फाइल बन रही है वो आ जाएगी। एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, ये वही आएगा जो बिल के ऊपर लिखा हुआ है। सेल फोन नंबर, वो क्लाइंट से आप लेके लिख सकते हैं। ईमेल आईडी भी आ जाएगी। डिस्को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, इसमें फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, अगर इस्लामाबाद में है या पिशावर में है तो आप ISCO या PESCO लिख सकते हैं। सब डिवीजन में आपके बिल के ऊपर ही लिखा होता है कि डिवीजन कौन सी है, सब डिवीजन कौन सी है, तो वहां से हम देख के सब डिवीजन इसमें लिख देते हैं। जहां जैसे ये इसमें इस्लामपुरा लिखा हुआ है। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर भी हर बिल के ऊपर लिखा होता है, जिस बिल के आपने नेट मीटरिंग करवानी है जिस मीटर पे, उसके बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर भी लाजमी लिखा होगा, और मीटर नंबर भी उसी बिल के ऊपर लिखा होता है। सेंक्शन लोड, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो जो बिल के ऊपर सेंक्शन लोड है आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। सेंक्शन लोड के सामने आप देख रहे होंगे रिक्वायर्ड लोड भी लिखा आ रहा है। बेसिकली रिक्वायर्ड लोड में हमने लिखना है सोलर पैनल्स की कैपेसिटी, उसकी मजमूई पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7.49,
ये 7.50 से अबव हम इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डेढ़ गुना से ज्यादा अलाउ नहीं है नेप्रा की तरफ से सोलर पैनल्स लगाना सेंक्शन लोड से, ठीक है। इसके बाद आ जाती है नेट कंजम्पशन, जो करंट रेजिडेंशियल कंजम्पशन है क्लाइंट की, पूरे साल में उसने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो हम यहाँ पे एड अप कर देंगे, और जो किलोवाट आवर प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर सिस्टम है वो हम, जो हमें पता है कि हमारा सोलर अप्रॉक्सीमेटली साल में इतने यूनिट जनरेट करेगा, वो हम इसके नीचे लिख देंगे, जैसे इसमें 10,935 लिखा हुआ है। तो नेट कंजम्पशन इसमें ऑटोमेटिकली आप आगे लिख सकते हैं, ये इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि 10,426 जैसे यहाँ पे लिखा है, ये यूनिट वापस को इजाफी जाएंगे, इतना बेनिफिट गवर्नमेंट हमसे हमारे सोलर सिस्टम से ले लेगी। नेक्स्ट स्लाइड के नीचे इंस्टॉलर इंफॉर्मेशन है, बेसिकली जो भी AEDB रजिस्टर्ड कंपनी है आप जिससे आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं उसका सारा डाटा आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा उनका, AEDB रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इंस्टॉलेशन इंजीनियर आ जाएगा, इंस्टॉलर इंजीनियर का नाम आ जाएगा, उसका CNIC, उसका कॉन्टेक्ट नंबर या उसके, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके नीचे सिस्टम की इंफॉर्मेशन है कि हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, वो हम इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ पैनल्स, जैसे इसमें लिखा हुआ है 14, यहाँ पे हम 14 ऐड कर देंगे, और पैनल वोल्टेज, बेसिकली ये वोल्टेज नहीं ये वोल्टेज लिखना चाहिए यहाँ पे, 7.9 आ गया किलोवाट, ठीक है। और पैनल्स का मेक और मॉडल हमें लिखना होगा, मेक ये JA सोलर के पैनल हैं, मॉडल में उसका एज पर डाटा शीट उसका मॉडल आ जाएगा। इसके आगे इन्वर्टर कैपेसिटी और उसकी टाइप, कि हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी क्या है और कंपनी कौन सी है, यहाँ पे नॉक्स का इन्वर्टर है, और आगे टाइप में या उसका मॉडल जो है वो TP10KTL उसका मॉडल आ जाता है। कुछ केसेस में के सोलर पैनल्स इंस्टॉल हुए होते हैं, मतलब ये JA सोलर के 535 वाट वाले पैनल हैं, 14 ये लगे हुए हैं और बाकी के 14 पैनल या 10 पैनल या जितने भी कैनेडियन सोलर के लगे हुए हैं, तो उस केस में हम दोनों तरह के पैनल को इनपुट करने के लिए सेकंड सेट ऑफ सोलर पैनल में उसका मेक मॉडल नंबर ऑफ पैनल वाटेज वगैरह को सारा इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आगे आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पाकिस्तान में कौन सी हैं जिनके आप अक्सर नाम सुनते हैं। इस्लामाबाद अटक वाली साइड पे चले जाएं तो उधर हमारा ISCO चलता है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये जहलम और चकवाल वाले रीजन तक ये सारे एरिया में ISCO सप्लाई कर रहा है एनर्जी। PESCO फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये फैसलाबाद झंग लैया बकर तक ये सारा इसको कवर करता है। आगे LESCO है, LESCO लाहौर शेखपुरा, तो इन सब एरियाज को कवर करता है ओकाड़ा तक, और आगे मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी MEPCO जो है ये साहिवाल तक और मुल्तान डेरा गाजी खान इस सारे रीजन को ये कवर करता है। पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी PESCO, ये KPK में काफ़ी सारे एरिया को ये PESCO वाले एनर्जी सप्लाई करते हैं। GAPCO आ जाता है, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तो GAPCO भी गुजरांवाला जहलम इन इलाकों में सप्लाई करता है। इन्होंने अपने रीजन डिवाइड किए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के हवाले से। बेसिकली ये एनर्जी सप्लायर्स हैं जो नेशनल ग्रिड से एनर्जी आगे कन्वर्ट करके कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं। K-Electric आ जाती है, तो ये कराची का जो सारा इसका निज़ाम है। इसी तरह इसमें एक मिसिंग है HESCO, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी है, बहरिया टाउन का एक अपना मैकेनिज्म है, तो BTPL भी इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, आगे आ जाता है नेट मीटरिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, नेट मीटरिंग की फाइल तो हमने बना ली, इसका सारे डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली, क्लाइंट से भी साइन करवा लिया या इंस्टॉलर कंपनी ने भी साइन कर दिया। आगे इसको प्रोसेस कैसे करना है, कैसे पता चलेगा या कैसे प्रोसेस होगा, नेट मीटर कैसे इंस्टॉल होगा, तो सबसे पहले ओरिजिनल फाइल और इसकी जो कॉपियाँ हैं ये आपने जो भी आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वहाँ पे सबमिट करवानी है। मोस्टली ये डिवीजन या सब डिवीजन ऑफिस में सबमिट हो जाएगी। ये हर डिस्को में डिफरेंट पॉइंट है, जैसे LESCO में करवाना हो तो आजकल सब डिवीजन में हो रही है, PESCO में कराना हो तो डिवीजन ऑफिस में हो रही है, यानी कि मुतलका डिस्को में ये जमा हो जाती है। तो जब ये डिस्को में फाइल जमा हो जाएगी, डिस्को में मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जब फाइल आप जमा करवा देंगे, तो फिर
वो इसको ना 2-3 महीने के अंदर उन्होंने मीटर लगाना होता है, लेकिन करंटली लेस्को वालों ने जो लेटर इशू किया है वो यही है कि 28 दिन के अंदर मीटर लग जाएगा। तो जब फाइल आप सबमिट करवाते हैं इतना टाइम इसको अप्रॉक्सीमेटली जो हमें एक्सपेरिमेंटल देखने में आया वो 2-3 महीने है, 2-3 महीने में मीटर इंस्टॉल होता है। अच्छा, इसकी फाइल का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तो 25 किलोवाट से नीचे की फाइल है तो वो तो हमारी सिंपली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो प्रोसेस हो जाएगी और मीटर लग जाएगा। अगर 25 किलोवाट से ऊपर हमारे सोलर सिस्टम की कैपेसिटी है उसकी फाइल प्रोसेस करवानी है तो फाइल के साथ हमें 1000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से नेपरा फीस भी सबमिट करवानी होगी नेपरा के बैंक अकाउंट में। ये नेपरा की फीस है लाइसेंस की, उसमें हमें नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा एनर्जी रिवर्स करने के लिए, या ग्रीन मीटरिंग का लाइसेंस हमें नेपरा इशू करेगा, फिर हम फर्दरली फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। और ये फाइल की प्रोसेसिंग के दौरान ही ये फाइल नेपरा जाती है, फिर ये लाइसेंस भी होता है, लेकिन जो नेपरा की फीस है वो फाइल सबमिशन के टाइम पे ही हमने साथ में अदा करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड, आगे हम सेक्शन 5 पे आ जाते हैं। प्रोसेस क्या है, अगर हमारी नेट मीटरिंग अबव और बिलो 25 किलोवाट है तो दोनों के लिए हमारा प्रोसेस क्या है, फाइल कहाँ कहाँ से मूव होगी और कहाँ जाएगी, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, पहले हम डिस्कस करेंगे कि 25 किलोवाट से नीचे की अगर फाइल है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में वापदा के मूव होगी। तो सबसे पहले जी इसमें हम अपनी ओरिजिनल फाइल और उसकी कॉपियाँ उसमें जमा करवाएंगे रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है। फाइल का जो सबमिशन का पॉइंट है वो डिवीजन या सब डिवीजन ये चेंज होता रहता है, तो जहाँ भी वो कहें वहाँ पे हम करवा देते हैं। इसके बाद कुछ डिस्कोज में फाइल डिवीजन में होती हैं, कुछ में सब डिवीजन में होती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और सबमिशन के बाद एक्सीएन या एसडीओ इस फाइल को रिव्यू करता है, उसको चेक करते हैं ये कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, 1.5 गुना से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी तो नहीं इंस्टॉल या ऐसी चीज़ें, तो ये लेटर लिखते हैं मोस्टली MNT को या P&I को, इस्लामाबाद में जाए तो P&I को लेटर लिखा जाता है कि साइट को विजिट किया जाए इस डील को, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन फैसिलिटी को वो फिर जाके विजिट करते हैं MNT। नेक्स्ट स्लाइड, वापडा के जो ऑफिशियल्स हैं वो सोलर सिस्टम को आके चेक करते हैं, उसके कनेक्शंस को चेक करते हैं, उसके सेफ्टी देते हैं, तो फाइल का प्रोसेस भी जीरो से स्टार्ट हो जाता है। और एक्सीएन जो है वो डिमांड नोटिस इशू करता है सेटिस्फेक्शन लेटर आने के बाद के कंज्यूमर को नेट मीटर का। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर बाई डायरेक्शनल मीटर इशू करेगा कि आप प्राइवेट अच्छा इन केस के हमें अगर प्राइवेट मीटर हमने परचेज करके डिस्को में जमा करवाना है तो हमें इसकी ओरिजिनल सेल इनवाइस और टेस्टिंग रिपोर्ट ये सबमिट करवानी होगी एक्सीएन ऑफिस में। तो ये ओरिजिनल इनवाइस उसी बंदे के नाम पे होनी चाहिए जिसके नाम पे बिल है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, अरुण आपको मेरी आवाज आ रही है? जी असद आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जी ये कीजिएगा यहाँ से।
असद आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा कंज्यूमर जो है वो डिमांड, ठीक है कंज्यूमर डिमांड नोटिस पे करेगा और पेड डिमांड नोटिस की ओरिजिनल कॉपी वो डिस्को में जमा करवा देगा। उसके बाद जो है एक्सीएन जो है इस केस को अप्रूव करेगा और सब डिवीजन में मूव करवा देगा। कुछ केसेस में जैसे लेस्को है, लेस्को में नेट मीटरिंग का एक हेड ऑफिस है, वहां से वो मीटर एलोकेट करवा देगा इसका। तो मीटर एलोकेट होगा तो सब डिवीजन में जाएगा वो लेटर, और सब डिवीजन वाले एसआरओ कंप्लीट करके स्टोर में मीटर है तो स्टोर से निकलवा के वो आगे फर्दरली एमएनटी को भिजवा देंगे लगाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एसडीओ जो है हमारा वो एमएनटी को फॉरवर्ड कर देगा फर्दर फाइल प्रोसेसिंग के लिए। एमएनटी ऑफिशियल जो है वो मीटर को इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसकी कैलिब्रेशन करेंगे और साइट पे इंस्टॉल कर देंगे। इसमें जो लाइन मैन है सब डिवीजन का वो भी उनको असिस्ट करेगा मीटर इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर एमएनटी ऑफिशियल जो है वो इसका परफॉर्मा फिल करेंगे, यानी कि इसकी इनिशियल सारी रीडिंग जो है वो परफॉर्मे पे फिल करके ले जाएंगे और मुतलका सब डिवीजन और डिवीजन में उसकी कॉपी भिजवा देंगे ताकि बिलिंग का नेट मीटरिंग बिलिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट हो सके। तो 25 किलोवाट से नीचे का जो हमारा नेट मीटरिंग का सिस्टम है उसकी नेट मीटरिंग की फाइल इस तरीके से हम प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है जिसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। फाइल अगर पहले डिवीजन में जमा हो रही है तो यहाँ से एक्सीएन लेटर लिखेगा साइट सर्वे का, एमएनटी या पीएनडीआई को वो साइट सर्वे करेंगे और सेटिस्फैक्ट्री लेटर लगा के तो वो फाइल दोबारा डिवीजन में भेज देंगे। डिवीजन वाले फिर डिवीजन में ही इसका डिमांड नोटिस इशू करेंगे या एनओसी के जरिए प्राइवेट मीटर की इनवाइस और टेस्टिंग रिपोर्ट ले लेंगे, फिर फर्दरली ये मूव कर देंगे डिवीजन को, सब डिवीजन वाले एमएनटी को, एमएनटी वाले टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के साथ आपकी साइट पे इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेट मीटरिंग 25 किलोवाट से ज्यादा अगर हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए नेट मीटरिंग कैसे होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये प्रोसेस भी सारा सेम है जैसे 25 किलोवाट से नीचे की फाइल्स का था, उसी तरह ये फाइल डिवीजन में जमा होगी ओरिजिनल। इसमें बस एक चीज का इजाफा है कि नेपरा फीस हमने सबमिट करवानी है, रुपीज 1 पर वाट कह लें उसको या रुपीज 1000 पर किलोवाट। ये अगर आपकी साइट रहेगी वो नेपरा के अकाउंट में आपने जमा करवा के उसकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप वो साथ में अपने फाइल के जमा करवानी है और बाकी का प्रोसेस सेम है। जब साइट की तरफ एक्सीएन की एमएनटी या पीएनडी की तरफ से सेटिस्फेक्शन लेटर आ जाता है विजिट के बाद, इसमें वो डिमांड नोटिस इशू नहीं करता है, वो फाइल को नेपरा भेज देता है लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो जो वापडा के विजिटिंग ऑफिशियल्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लेटर एक्सीएन को लिख देते हैं, उसके बाद एक्सीएन जो है फाइल को नेपरा मूव कर देता है ओरिजिनल फाइल को ताकि नेट मीटरिंग का लाइसेंस आ जाए। अब नेट मीटरिंग का लाइसेंस नेपरा के पास भी काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एक टाइम पीरियड के बाद 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस को। तो नेपरा जो है वो लाइसेंस बाय पोस्ट भी हमें शेयर कर देता है हार्ड फॉर्म में, ये कंज्यूमर के एड्रेस पे आता है और ये नेपरा की वेबसाइट के ऊपर भी आ जाता है, उसका लिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शो किया हुआ है। तो नेपरा का जो लिंक है ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास नेट मीटरिंग के जो भी लाइसेंस इशू हुए हैं अब तक जब से नेट मीटरिंग पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, ये सारे लाइसेंस इस लिंक में मौजूद हैं और अपडेट होते रहते हैं। और कंज्यूमर जो है लाइसेंस यहाँ से रिसीव कर रहे या कोरियर कंपनी से अगर आया है तो वो रिसीव करके वो दोबारा उसकी कॉपी एक्सीएन को भिजवा देता है कि भाई मेरा लाइसेंस आ गया है, फर्दरली इसको आप प्रोसेस करें। आगे का प्रोसेस सारा सेम है मीटर लगने का, जैसे 25 के नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ जी, ये एक जो नेप्रा की तरफ से लाइसेंस इशू होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसको जनरेशन लाइसेंस बोलते हैं, नीचे लाइसेंस का नंबर आ जाता है। अगर आप नीचे देखें प्राइमरी एनर्जी सोर्स में सोलर आ जाता है, कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो सारे किलोवाट्स आ जाते हैं। इन्वर्टर कौन सा है, नॉक्स लिखा हुआ है, मॉडल क्या है उसका, इंस्टॉलेशन कंपनी कौन सी है, वो सारा इस तरह का एक लाइसेंस 7 साल के लिए इशू करता है। 7 साल के बाद इसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये फ्लो चार्ट है। अगर आपका नेट मीटरिंग 25 किलोवाट से ऊपर की फाइल है, सारा प्रोसेस वो वैसे ही सेम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट का इजाफा है, वो नेप्रा है। डिवीजन से जब फाइल ओके हो जाती है तो वो नेप्रा जाती है यहाँ पे, और लाइसेंस आने के बाद दोबारा डिवीजन से आगे वैसे ही प्रोसेस इसका कंप्लीट होता है और एमएनटी मीटर इंस्टॉल कर देता है। इन केस के किसी इंडस्ट्री पे आप सोलर लगा रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 250 किलोवाट से अबव है सोलर की कैपेसिटी, तो उसके लिए नेट मीटरिंग कैसे होगी उसका प्रोसेस हम बताएंगे। कि नेट मीटरिंग का प्रोसेस सेम है जैसे अबव या बिलो 25 किलोवाट का है, लेकिन इसमें एक लोड फ्लो स्टडी रिक्वायर्ड होगी फाइल के साथ अटैच करने के लिए। ये लोड फ्लो स्टडी मुख्तलिफ डिस्कोज में मुख्तलिफ अथॉरिटीज हैं जो करती हैं, मोस्टली ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करते हैं, हर डिस्को में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौजूद होते हैं। वो आपको एक लोड फ्लो स्टडी इस फाइल के अगेंस्ट बना के देते हैं साइट विजिट करके, तो ये साथ में अटैच होती है। आगे इसका एक मेजर पोर्शन आ जाता है, सेक्शन 6 आ जाता है हमारा, कि बिलिंग एंड कैलकुलेशंस, कि हमने इसकी नेट मीटरिंग की बिल कैसे इसका करना है। सबसे पहले तो बिलिंग एंड कैलकुलेशन में हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि रात के जो 6 से 10 बजे का टाइम है इसको पीक आवर्स बोलते हैं, इसके अलावा बाकी के टोटल जो 20 घंटे हैं उसको हम ऑफ पीक आवर्स बोलते हैं। तो पीक आवर्स के लिए बिजली के यूनिट का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोस्टली अगर रेजिडेंशियल को देखें 24-24.5 रुपये होता है, ऑफ पीक आवर में ये कोई 18.5 रुपये के करीब इसका रेट होता है जो करंट, लेकिन ये नेप्रा रेट फर्दरली बढ़ाता जा रहा है, लेकिन करंटली मौजूदा रेट इसके ये आ रहे हैं एक डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल क्लाइंट के लिए। तो हमारी जो इसमें देखने की बात यह है कि हमारा सोलर सिस्टम जो आपदा को एनर्जी रिवर्स करेगा वो किस रेट पे होगी या उसका क्या हिसाब है। तो देखें रात के 6 से 10 बजे पीक आवर्स के दौरान तो हमारा सोलर सिस्टम एनर्जी रिवर्स नहीं कर पाएगा, गर्मियों में शायद कोई आधा घंटा मिल जाए डे टाइम का, 6:30-7 बजे मगरिब का टाइम होता है, लेकिन ये हमारी एनर्जी रिवर्स नहीं जाती है पीक आवर्स में, अगर जाए भी तो वो काउंट हो जाती है। तो मोस्टली हमारी जो एनर्जी रिवर्स जाती है वो ऑफ पीक आवर में, तो बिल के अंदर वो ऑफ पीक को ऑफ पीक के साथ रख के ही यूनिट को कैंसिल करता है। और इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट अगर आपने जाना है तो 9.89 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको रीपेमेंट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नेट मीटरिंग की बिलिंग कैलकुलेशंस कैसे की जानी है। तो ये सारा वही लिखा हुआ है कि ऑफ पीक आवर में हम सोलर सिस्टम जो है वो बिजली को रिवर्स करता है, तो ऑफ पीक के हिसाब से ही वो एडजस्ट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा इसमें ये है कि इसको क्वार्टरली बेस पे ये रेवेन्यू वाले करते हैं नेट मीटरिंग के केसेस को। मोस्टली ये अगर नया मीटर इंस्टॉल हुआ है तो पहले 2 महीने तो ये जो यूनिट आपने वापडा से लिए हैं इंपोर्ट किए हैं सिर्फ उन्हीं का बिल भेज देते हैं, जो एक्सपोर्ट किए हैं उनका इसमें कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, या कुछ डिवीजन सब डिवीजन या रेवेन्यू ऑफिस इस तरह भी करते हैं कि वो पहले 2 महीने बिल बिल्कुल अगर कोई टैक्सेस वगैरह हैं लाइन रेंट है वो भेज देते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 3rd महीने से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा अगर तो आप इन दी फॉर्म ऑफ मनी आपने पैसे वापडा से वसूल करने हैं तो वो आपको 9.89 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से वापस मिलेंगे या वो बिल नेगेटिव किया जाएगा। और मजीद हम नेट मीटरिंग का एक बिल देखते हैं कि नेट मीटरिंग कनेक्शन का बिल कैसा होता है, इसके ऊपर बिलिंग कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आता है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ये एक नेट मीटरिंग कनेक्शन का बिल है, इस पे एक तो नेट मीटरिंग कनेक्शन लिखा आ जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है से नो टू करप्शन, इसके ऊपर बिल्कुल रेड कलर का एक दायरा लगाया मैंने जिसमें नेट मीटरिंग कनेक्शन लिखा है। हर नेट मीटरिंग कनेक्शन का जो बिल है उस पे ये लाजमी लिखा होगा नेट मीटरिंग कनेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पर राइट
साइड पे जो बड़ा रेड सर्कल है इसके अंदर देखें, ये बिल इस क्लाइंट का माइनस में है, -36,000 के करीब इसका बिल है, साथ में क्रेडिट लिखा हुआ है सीआर, और बड़ा सा लिखा है नॉट टू बी पेड, कि ये पे नहीं किया जाएगा, यानी कि वापडा ने आपके पैसे देने हैं। अब यहाँ पे दो सर्कल अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो रेड कलर के हैं, इसमें जो नीचे वाला सर्कल है इसमें यूनिट्स की कैलकुलेशन है, और जो ऊपर वाला सर्कल है वो जितने यूनिट हमने इजाफी लिए हैं वापडा से वो उनको रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करवा के रेट उसका निकाला गया है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी। अब ये देखें, ये वही बिल है जो भी मैंने पीछे शो किया है, इसमें यूनिट कितने कंज्यूम हुए हैं, सबसे पहली रो में आप देखें यूनिट कंज्यूम का, और इसी के हिसाब से ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 462.50 निकली है, मीटर रेंट और ये बाकी सारी चीजें तो ये एक फिक्स रेट्स के हिसाब से हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि ये 26 यूनिट्स कैसे आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी, इसमें देखें बॉटम लेफ्ट साइड पे इसमें लिखा है एक्सपोर्ट किलोवाट आर, इम्पोर्ट किलोवाट आर, और ऊपर ऑफ पीक और पीक आर। सबसे पहले तो हम एक्सपोर्ट देखते हैं, जो एनर्जी हमने वापडा को रिवर्स की है वो है 680 यूनिट्स, पूरे महीने में हमने 680 यूनिट ऑफ पीक आर में वापडा को एक्सपोर्ट की है, पीक आर में हमने जीरो किया है। वही बात है जो मैंने पहले बताया था कि रात 6 से 10 के दरमियान में हमारी एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है। इम्पोर्ट कितने किए हैं, ऑफ पीक आर में हमने 700 यूनिट इम्पोर्ट किए हैं और पीक आर में हमने 6 यूनिट इम्पोर्ट किए हैं। तो नीचे उसने नेट में यूनिट्स निकाले हैं, 700 में से 680 माइनस करेंगे तो 20 यूनिट हमने इजाफी लिए हैं ऑफ पीक आर में, पीक आर में हमने 6 यूनिट इजाफी लिए हैं। तो ऑफ पीक आर का जो रेट है वो 16.33, ये थोड़ा पुराना बिल है, अभी नेपरा ने रेट्स में इजाफा किया है, तो अभी के हिसाब से ये 18.5 रुपये के हिसाब से 20 यूनिट का हमें बिल पड़ेगा, और 24 के हिसाब से मैं जो पीक आर के 6 यूनिट हैं उनका बिल पड़ेगा, तो जो पिछला बिल है उसमें से जो भी अमाउंट बनेगी वो प्लस माइनस हो जाएगी। ये यूनिट्स आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं अगर हमारे, तो ये यूनिट्स आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हर्डल्स क्या हैं नेट मीटरिंग प्रोसेस में जी। सबसे पहली हर्डल तो जो सोलर सिस्टम लगाने के टाइम पे या फाइल जमा करवाने के टाइम पे आती है वो यही है कि कंज्यूमर का डाटा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में रजिस्टर्ड है वो मोस्टली उसमें मिस्टेक्स होती हैं या उसको अपडेट करना होता है। अभी वही कि अगर कोई बंदा याद नहीं रहा है, किसी के ग्रैंडफादर के नाम पे मीटर है तो पहले उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसी ऐसे बंदे के नाम पे जो घर का ओनर हो या इंडस्ट्री का ओनर हो और जो फाइल वगैरह साइन कर सके। और जो पुराने एक्शन हैं, पुराने मीटर हैं, जैसे पहले आपको पता है वो ग्रारी वाले मीटर आते थे, उन पे पी कार की रीडिंग तो नहीं ली जा सकती, सिंपल रीडिंग ही उस पे आती है, तो उन पे टैरिफ भी फिर सिंगल फेज का ही चल रहा होता है। तो इस टैरिफ जो दरख्वास्त है वो नेट मीटरिंग के साथ ही जोड़ के भी भेजी जा सकती है। और जो हमारा ये प्रोसेस है नेट मीटरिंग का, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि वापडा ऑफिशियल्स के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं नेट मीटरिंग के अलावा, और इनके पास इतना अमला नहीं है अभी कि स्पेशली ये नेट मीटरिंग के लिए उसको मुख्तस कर सकें। अमले के पास बहुत ज़्यादा काम है, शेड्यूल बिजी है, तो कह लें कि जो काम एक महीने में हो सकता है उसको 2-3-4 महीने भी बाज़ुकात लग जाते हैं। और इसका स्पेशल डेस्क कोई नहीं है, वापडा के ऑफिस में स्पेशल डेस्क होना चाहिए कि नेट मीटरिंग की फाइल यहीं से सबमिट होनी है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिलनी है, काम तेजी से हो सके, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। नो डाउट के हर जगह पे कि कोई स्पेसिफिक बंदा होता है जो नेट मीटरिंग की फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहा होता है या रख रहा होता है या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन ऑफिसेज ही इतने सारे हैं जहाँ से फाइल मूव होनी है, तो इसको बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन अभी तक नहीं हो पाया। नेट मीटरिंग जो है ये वापडा का मेजर फोकस नहीं है क्योंकि आपको पता है हमारे नेशनल ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन्स, इनके और भी काफ़ी मसले मसाइल हैं, थोड़ा सा मौसम खराब हो तो बड़ा मसला बन जाता है,
बारिश वगैरह के सीजन में ये काफी बिजी हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस की वजह से भी नेट मीटिंग का काम जो है वो स्लो हो जाता है। और दूसरा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रेगुलर फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ता है ऑफिस का, कंज्यूमर के पास इतना टाइम नहीं होता है इस हेक्टिक प्रोसीजर को बर्दाश्त करने का, तो लेकिन फॉलो नहीं है कि हमने एक बार एप्लीकेशन इसमें एंटर की तो ऑटोमेटिकली हमारा नंबर आ जाएगा, ये पीछे पढ़ के ही काम करवाना पड़ता है। यहाँ से अवेयरनेस जो है नेट मीटरिंग के प्रोसीजर की, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो वापडा के एम्प्लॉयज हैं मोस्टली, इनमें मोस्ट ऑफ द पीपल इस टाइम पे 2022 में नेट मीटरिंग से वाकिफ हैं, लेकिन पहले ये मसला बहुत ज़्यादा था। स्पेशली आप किसी रिमोट एरिया में चला जाएं, वहाँ पे इवन के एसडीओस को भी नहीं नेट मीटरिंग का पता होता कि ये बिलिंग इसकी कैसे करनी है और ये इसका कैसे प्रोसेस कैसे करना है। उनको प्रोसेस भी कई दफ़ा सोलर कंपनीज को खुद गाइड करना पड़ता है, फिर उस प्रोसेस को वो वेरीफाई करते हैं अपने वापडा ऑफिशियल से या अपने सीनियर से, तो फिर जाके वो फाइल प्रोसेसिंग में आती है, लेकिन फिर भी वो स्लोली स्लोली चल रही होती है। तो ऐसे केसेस में बड़ा ये मसला बनता है नेट मीटरिंग करवाना। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेप्रा जो लाइसेंस इशू करता है, अब तो 25 किलोवाट से नीचे नेप्रा ने अलाउ कर दिया कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये नहीं था तो नेप्रा के पास खुद बहुत बड़ा एक बर्डन बन गया था नेट मीटरिंग के हवाले से लाइसेंस इशू करने का। जो लाइसेंस एक वीक में अपलोड हो जाना चाहिए या कुरियर हो जाना चाहिए, उसको दो दो महीने या डेढ़ डेढ़ महीना भी लगता रहा है, तो ये काफी बर्डन की वजह से, शायद उन्होंने इसी वजह से 25 किलोवाट से नीचे का जो प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया है लाइसेंस इश्यू करने का। तो 25 किलोवाट से ऊपर की फाइल है तो फिर भी नेप्रा में आपको लाइसेंस तो लेना है। अब काफी ये अर्ली बेसिस पे काम होना शुरू हो गया है इस पे। एक इसके हर्डल ये कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वो इन्वॉल्व हैं, जैसे डिवीजन ऑफिस आ जाता है, सब डिवीजन ऑफिस है, MNT है, P&I है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं जहां से फाइल पे सिग्नेचर हुई है, तो ये एक और हर जगह पे फाइल की कॉपीज भी जमा करवानी जरूरी हो जाती हैं। तो ये क्योंकि एक मैनुअल सिस्टम की वजह से आपके चक्कर भी बहुत लगते हैं और आपका नुकसान भी इसमें काफी होता है, और कह लेंगे इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं रहता। और शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट स्पेशली नेट मीटर, अक्सर डिस्कोस के स्टोर पे नेट मीटर ही अवेलेबल नहीं होते या लेट हो जाते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इस वजह से भी फाइल में या नेट मीटरिंग में हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो या प्राइवेट मीटर की परचेज है उसमें भी फिर टाइम कंज्यूम होता है, तो ये नेट मीटर जो हैं ये कम अज़ कम स्टोर्स में मौजूद होने चाहिए ताकि कोई फाइल आती है तो फ़ौरन वहाँ से उठा के लगाए जा सकें। तो ये कुछ हर्डल्स थी नेट मीटरिंग के प्रोसेस में जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, सोलर कंपनीज को भी करनी पड़ती हैं, कंज्यूमर्स को भी करनी पड़ती हैं, तो इन पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसे इस प्रोसेस को स्मूथ लाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 8 है हमारा आखिरी सेक्शन है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं नेट मीटरिंग के, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रोज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेशनल ग्रेड को एक सपोर्ट है, दिन के टाइम के लोड में हम काफ़ी इसमें जो पीक पावर है, पीक डिमांड है, उसमें कमी आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हों, और बर्डन कम हो जाता है ट्रांसमिशन लाइंस पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो कर सकते हैं आप इससे, कि जितनी एनर्जी आपको टोटल सालाना इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 14,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं सालाना, तो आप सोलर सिस्टम इस कैपेसिटी का लगाएं कि जो 14,000 यूनिट आपको जनरेट करके दे साल में, तो आपका बिल कह लेंगे वो जीरो के, एनुअली बिल जो है वो जीरो हो जाता है। और मेजर जो मैं इसका बेनिफिट समझता हूँ कि वेस्टेज नहीं है सोलर एनर्जी की, जो भी आपकी एनर्जी बनती है सोलर से वो या तो आपके घर में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाती है, अगर बच जाए तो वो रिवर्स चली जाती है, वो यूनिट ज़ाया नहीं जाता है जैसे कि सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम में ज़ाया हो जाते हैं। और नेट मीटरिंग सिस्टम जो है ये वैल्यू टू मनी है, बिल्कुल देर पा एक सोल्यूशन है, इसकी लाइफ ज़्यादा है सोलर सिस्टम्स की, 25 साल तो पैनल्स की वारंटी है, इन्वर्टर्स की 5-5, 10-10 साल वारंटी है, तो ये बिल्कुल बिल ज़ीरो भी करता है और आपका एक एसेट भी बन जाता है। लो पे बैक पीरियड है, 3-3.5 साल में आपकी जो पेमेंट है, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, वो सारी आपको रिवर्स हो जाती है।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है बिल्कुल, जब आप नेट मीटरिंग करते हैं या सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। नो डाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं आपके 3 साल में, उससे आगे का आपको समझिए कि वो फ्री में एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है सोलर से, तो ये एक इंडस्ट्री में ग्रूम करने में आसानी है उसके लिए। इसके कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक दिन के टाइम का सोल्यूशन है। ट्रांसमिशन लाइन पे अगर कोई बर्डन है तो वो दिन के टाइम में कम हो सकता है जब तक सनलाइट है, और दिन के टाइम के बाद रात के टाइम में हमें ट्रांसमिशन लाइन्स जो हैं वो फिर फुल कैपेसिटी पे हमारे पावर प्लांट्स चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा बिल्कुल है। और इंस्टॉल्ड जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं उनको आप कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर 22,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो हम सोलर पे रिलाय करते हुए उसको 18,000-19,000 पे नहीं लेके जा सकते हैं। वो हम दिन के टाइम में प्रोडक्शन इतनी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि रात के टाइम में हमें ज़्यादा करना पड़ सकता है। नो डाउट हमारे कमर्शियल प्लाजाज और घरों का लोड रात के टाइम में कम हो जाता है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का लोड कम नहीं होता है। और डिफिकल्ट इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस बिल्कुल, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए भी या नेप्रा के लिए भी नेट मीटरिंग को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज बनाने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना तो होता है क्योंकि एक नई इकोनॉमिक्स खुल जाती है नेट मीटरिंग के साथ। तो इसके अलावा सोलर इंस्टॉलर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ का कि वन साइज फिट ऑल सिस्टम कर देते हैं कि जी जिसकी रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट की है उसको भी 10 किलोवाट का सिस्टम लगा के दे देते हैं, जिसकी 10 की है अगर अवेलेबिलिटी 5 की है उनके पास उसको 5 का, तो मतलब ये नहीं करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू बिल उसके अकॉर्डिंगली। जी ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है नेट मीटरिंग के हवाले से तो आप इसमें मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू असद साहब, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी आपकी और बहुत से लोगों ने बड़ा कुछ सीखा होगा इसमें। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, नहीं तो आपके पास भी क्यू एंड ए बॉक्स अपीयर हो रहा होगा, आप उसमें खुद ही देख सकते हैं। मैं वन बाय वन क्वेश्चन अनाउंस कर देता हूँ, आप उसको फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है हमारे पास इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला, ये कहते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड लोड एंड लोड। जी ऐसा साहब, कनेक्टेड लोड को अगर नेट मीटरिंग के फाइल के हिसाब से देखें कनेक्टेड लोड उसमें सोलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। और अकेला लोड तो मतलब वही है ना जो हमारे घर की अप्लाइंसेस वगैरह हैं जो लोड हमने वाडा से लेना है। अब कनेक्टेड लोड भी इसमें ऐड कर दें तो वो सोलर सिस्टम भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सैयद मंसूर खुर्शीद साहब हैं, ये कहते हैं व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर्स। जी जी, इस चीज का जिक्र मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान भी किया था। अगर 15 मीटर से ज्यादा हाइट है आपकी बिल्डिंग की तो या सोलर पैनल्स की तो फिर लाइटनिंग अरेस्टर लगाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वापडा लॉ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई एनोनिमस अटेंडी है, उन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर नेट मीटरिंग फॉर एन इंडिविजुअल साइट। जी बिल्कुल, अभी तक जो सुनने में आया है वो यही है कि 1 मेगावाट तक आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं नेट मीटरिंग के साथ। इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग नेट मीटरिंग फॉर अ साइट। हाउ कैन यू हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, मैं कैसे इसमें हेल्प कर सकता हूं। जी जी जी, तो बिल्कुल इसमें गाइडलाइन दे सकते हैं किसी भी बंदे को प्रोसेस में, अगर गाइडलाइन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप इस पे ईमेल करें मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिस्पॉन्ड करूंगा, जो फेवर मैं इसमें दे सकता हुआ मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है उस्मान साहब का, वाडा बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑन विच रेट, ये मेरा हाल है
पर यूनिट रेट पूछना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा बाबा, पहले तो जैसे बिल पे मैंने आपको दिखाया था के ऑफ पीक के हिसाब से ही यूनिट में वो नेट कंजम्पशन देख रहा था, अगर आपने पीक आवर में कोई यूनिट वापडा को रिवर्स किया है तो उसको पीक आवर के हिसाब से ही लेगा, अगर आपने ऑफ पीक आवर में किया है तो उसको ऑफ पीक के हिसाब से ही लेगा। लेकिन अगर इन दी फॉर्म ऑफ मनी हम इसको देखें तो जो एनर्जी आपकी इजाफी वापडा की तरफ जमा है उसको वो 9.89 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको पे करेगा, इन केस अगर आपने वो पेमेंट लेनी है तो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है असद साहब, इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला साहब का एक और सवाल है, बेसिकली वी काउंट लोड यानी सैंक्शन लोड मुराद है यहाँ पे उनका, बट नॉट कनेक्टेड लोड। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम सैंक्शन लोड को बेसलाइन लेके चलते हैं या कनेक्टेड लोड को? नहीं नहीं, हम सैंक्शन लोड के हिसाब से ही अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मतलब के गवर्नमेंट ने अगर हमें 5 किलोवाट अलाउ किया है, लोड सैंक्शन किया है, हम 7.5 किलोवाट तक का ही सोलर उस पर लगा पाएंगे। और ये 5 सैंक्शन लोड का मतलब भी यही है कि हम अपने घर में 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड ना चलाएं, बेसिकली लोड सैंक्शन करने का मतलब भी यही है। असर साहब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, हाउ डज वापडा मेक पेमेंट फॉर आवर क्रेडिट बैलेंस, इज दिस मंथली एनुअली और अनदर मेथड? जी ये मैंने बताया था बिलिंग के दौरान भी कि ये क्वार्टर बेस पे कर रहे होते हैं, अगर आप उस बिल पे जाएं देखें उस पे लिखा होगा month 1 of 3, month 2 of 3, month 3 of 3, यानी कि ये क्वार्टर बेस पे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, जो यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं फर्स्ट टाइम वो क्वार्टर बेस पे ही उसको कर रहे होते हैं। थैंक यू असद साहब। इसमें अदनान मकबूल साहब हैं, इनका एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द आइडियल एंगल ऑफ सोलर पैनल्स? जो आइडियल एंगल है, एक तो ये बिल्कुल साउथ फेसिंग पे लगे होने चाहिए सोलर पैनल्स, ये आइडियल है इसके लिए, और जितना आपका लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड के हिसाब से लगाने चाहिए, जैसे लाहौर या फैसलाबाद का लैटिट्यूड 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री पे लगाएंगे तो हमें एक मजमूई तौर पे पूरे साल के हिसाब से एवरेज भी एक अच्छा एनर्जी नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको 20 प्लस पे भी लगा लें तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि हमारे सनलाइट का जो डिक्लिनेशन एंगल है वो गर्मियों में भी 23.45 डिग्री अबव जीरो लाइन आता है, यानी कि अगर हमने गर्मियों में पैनल 10 डिग्री पे भी लगाए हैं तो सनलाइट जो है वो जून जुलाई में बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरेगी, बिल्कुल वो स्ट्रेट बीम रेडिएशन उस पर आके फॉल करेगी तो हमारे मैक्सिमम एनर्जी नंबर निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसको 20 से 30 डिग्री में लगा लें विद रिस्पेक्ट टू आवर लैटिट्यूड तो ये बेटर रहेगा। थैंक यू असद साहब। इसमें कुछ लोग ना रेज हैंड कर रहे हैं तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर उनकी कोई भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्वेश्चन Q&A बॉक्स में या चैट में रिस्पॉन्ड कर दें तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। हम तकरीबन 5 मिनट्स तक वेट करेंगे तो उसके बाद हम फिर इसको कंक्लूड करेंगे, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो इन 5 मिनट्स में वो टाइप कर सकता है, हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी ठीक है। इसमें असद साहब एक क्वेश्चन आया है उस्मान साहब का, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्वेश्चन आया है, आपको नजर आ रहा है कोई Q&A बॉक्स? जी जी जी। अच्छा ये 3 मेगावाट का तो मुश्किल है, 1 मेगावाट का जहां तक हमारे सुनने में आया कि ऑन ग्रिड सिस्टम आप नेट मीटरिंग फैसिलिटी के हिसाब से 1 मेगावाट तक लगा सकते हैं। हाँ गवर्नमेंट ये फैसिलिटी आपको जरूर देती है कि आपकी कोई इंडस्ट्री है उसकी छत अवेलेबल नहीं है 1 मेगावाट लगाने के लिए, तो दूर दराज किसी इलाके में फॉर एग्जाम्पल झंग के पास आपके पास इतनी स्पेस है तो आप वहां पे सोलर सिस्टम लगा के नेशनल ग्रिड को एक्सपोर्ट करें तो उसका जो प्लस माइनस का हिसाब है वो आपकी इंडस्ट्री लाहौर में अगर मौजूद है तो उसके साथ उसको बैलेंस किया जा सकता है, नो डाउट गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट 6% पे बैंक फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी दे रही है ताकि सोलर को मजीद प्रमोट किया जा सके। अच्छा जैनब रांझा साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस,
कैन इट बी यूज्ड विद सिस्टम अंटिल नेट मीटरिंग इज, बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री पे आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब मैं आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस वर्क कैसे करती है। बेसिकली ये आपके तीनों फेजेस को चेक कर रही होती है। पहला मेथड तो इसका ये है कि ये लोएस्ट फेज को देखती है कि लोएस्ट फेज पे कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है घर में। अगर लोएस्ट फेज पे 2 एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं आपके, तो ये उस 2 एम्पेयर के हिसाब से सोलर को कहेगी कि 2 एम्पेयर से ज्यादा आपने एनर्जी प्रोडक्शन एट अ टाइम नहीं करनी है, ठीक है। अगर दूसरा इसका मेथड ये है कि ये एवरेज ले लेती है, एक फेज पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, तो ये कर लेगी कि 3 उसको काउंट कर लेगी और हमारे सोलर सिस्टम को ये अलाउ करेगी कि 3 एम्पेयर के हिसाब से एनर्जी की प्रोडक्शन करें। ये 2 तरह की जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेज हैं। लेकिन जो रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम हैं उनमें इसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। वैसे अब जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं इनके अंदर बिल्ट इन लिमिटर भी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल के एक घर में दिन के टाइम में 500 वाट का लोड चलता ही चलता है, इससे ऊपर फ्लक्चुएट होता है 700-800, फिर 500 पे आ गया, 1200 पे भी जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लिमिट इन्वर्टर के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है, हम वहां से लिमिटर भी लगा सकते हैं कि 500 वाट से ज्यादा वो जेनरेटर मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, लेक्चर की इसमें कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशंस कहां अवेलेबल होंगी, तो मैं सबको क्लियर कर दूं कि हमारी जो वेबसाइट है energydesk.smeta.org, उसके अंदर एक डाउनलोड्स का सेक्शन है। ये कल हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है वहां पे ट्रेनिंग्स के हेड में अपलोड कर देंगे, जिस किसी को भी चाहिए वो वहां से इजीली डाउनलोड कर सकता है। और जहां सवाल रहा रिकॉर्डिंग का, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कोई 1 वीक तक हमारा जो स्मेडा का पेज है फेसबुक का उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी, और वो किसी को भी अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो वहां से देख सकता है। और इसी तरह हमारा यूट्यूब का चैनल भी है स्मेडा का, अगर वो उधर भी वो जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो जाती है। जी, एक और क्वेश्चन आया है MEFA इंडस्ट्री से कि गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है लोगों को सोलर पावर के मुतालिक, लेकिन टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, तो इसको एक्सप्लेनेशन। बेसिकली ये कोई फाइनेंस मिनिस्टर इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भी ये टैक्स नहीं होना चाहिए था इसमें। असेंबली फ्लोर पे तो यही कहा गया था कि सोलर पैनल्स पे या सोलर इन्वर्टर्स पे टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन लगा दिया गया है, तो इसको ये इनके पॉलिसी मेकर्स ही इसका आपको बेस्ट आंसर दे सकते हैं। मेरी राय के मुताबिक तो टैक्स इस पे नहीं होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। जी, इसमें जिन भी लोगों ने क्वेश्चन आस्क किए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें शेयर कर दें, ताकि हम उनको कॉल करके या उनसे कॉन्टेक्ट करके अगर फर्दर भी उनकी कोई क्यूरी है तो उसको एड्रेस कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे पास 13 क्वेश्चन है, ये जिस भी किसी ने क्वेश्चन किया है तो वो काइंडली अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसमें उनका नाम है, अब उनका ईमेल आईडी है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, वो ये 3 चीजें हमसे शेयर कर दें, ताकि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनसे कॉन्टेक्ट करके अगर उनकी कोई फर्दर क्यूरी है तो उसको भी एड्रेस कर सके। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं हैंडओवर करूंगा हारून शोकर साहब को, जो आर ई ऑफिसर है स्मेडा यूनिडो एनर्जी डेस्क के, वो फाइनल इसमें अपने कमेंट्स वगैरह देते हैं। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल असद, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन टुडे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें थी जो आपने बताई हैं हम सबको, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज के पार्टिसिपेंट थे उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इनिशियली हमें कुछ इशू फेस कर रहे थे ऑफिस में, पता है इंटरनेट का इशू था, तो उसके लिए माजर सबको, और लेटर ऑन वो होपफुली जो इशू था वो रिजोल्व हो गया था, और हमने बड़ा ही इंजॉय किया इस चीज को। और इंशाल्लाह हम वी आर होपफुल के फ्यूचर में भी इस तरह के कोई रिन्यूएबल एनर्जी को, एनर्जी एफिशिएंसी के कुछ टॉपिक्स वाइज हम वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाएंगे। सो जितने भी आज लोग थे उनका भी एक बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पूरा आज का जो वेबिनार था वो अटेंड किया। सो थैंक यू सो मच। ये इनायत सोलर हैं, इन्होंने
हैंड रेज किया है, काइंडली जो हैं ये अगर आपको क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर आप टाइप कर दें तो वो हम असिस्ट से पूछ लेते हैं जी। थैंक यू। और हैदर ने जो पहले कहा है, जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं वो काइंडली अपनी कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में मेंशन कर दें जी। अभी हम 1 से 2 मिनट वेट कर रहे हैं, किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर दें ताकि हम असल से फर्दर उसके आंसर ले सकें जी। थैंक यू। जी ये अनायत साहब का क्वेश्चन है जी कि इसकी रिकॉर्डिंग मिस की है, तो जी हैदर ने पहले जिसने आपको पहले बताया है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है इसकी पीपीटी फाइल समेडा एनर्जी रेक्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रेनिंग्स के सेक्शन के अंदर इसकी पीपीटी फाइल भी आपको मिल जाएगी, और जो रिकॉर्डिंग है वो समेडा का फेसबुक ऑफिशियल पेज और समेडा का जो यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है उस पर आज की जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको विद इन 1 वीक इनशाला होपफुली वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक सो सब क्वेश्चन आ गए हैं, आप कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो मैं सबको अल्लाह हाफिज कहता हूँ और सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह होपफुली वी विल ट्राई टू एंगेज ऑल ऑफ यू आवर नेक्स्ट वेबिनार्स। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।